नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिशन 24x7। जिले की हर महत्वपूर्ण खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई खबर आपसे छूट ना जाए। खैर, अब बात करेंगे हमारे इस खास बुलेटिन की फटाफट अंदाज में। शाहजहांपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 26 और मरीज सामने आए हैं, तो वहीं 24 घंटे में ही 110 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौटे हैं, जिसके बाद स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 19,129 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में संक्रमण के चलते 5 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके बाद मरने वाले मरीजों की संख्या 305 हो गई है। वहीं जिले में मौजूदा हाल में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामले 695 हैं। तबली कटेली टोल प्लाजा पर किन्नरों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पुआ से बंडा की ओर जाने वाले स्टेट हाईवे पर सबली कटेली के पास बने टोल प्लाजा पर किन्नरों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यहां टोल टैक्स देने को लेकर किन्नरों का विवाद हो गया, जिसके बाद किन्नरों ने निर्वस्त्र होकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। फिलहाल किन्नरों के हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं किन्नरों का आरोप है कि टोल प्लाजा पर स्टाफ के द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई। निगोही पुलिस की देर रात सातिर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। बदमाशों और पुलिस के बीच जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गए। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी तादाद में असलहे और कारतूस, 3 बाइक और लूट के 25 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पकड़े गए बदमाश कई जनपदों में लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल घायल पुलिसकर्मियों को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दरअसल 14 अप्रैल 2021 को निगोही थाना क्षेत्र में व्यापारी के मुनीम से 2 लाख रुपए की लूट की गई थी। इसके अलावा 21 मई 2021 को भी दूसरे व्यापारी से 50,000 रुपए से भरा बैग लूट लिया गया था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बदमाश देर रात एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने के फिराक में है। इसी आधार पर एसओजी टीम और निगोही पुलिस ने कजरी नूरपुर मोड़ पर बदमाशों को घेर लिया। घेराबंदी देखकर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। लगभग आधे घंटे तक दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। इस दौरान बदमाशों की फायरिंग से 2 पुलिसकर्मी संदीप बैसला और किशन पाल घायल हो गए। बाद में पुलिस ने अपना घेरा मजबूत करके 5 बदमाशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। सिंधौली ब्लॉक प्रमुख के दावेदार अवधेश सिंह का जनसंपर्क लगातार जारी है। आपको बता दें कि अवधेश सिंह सिंधौली क्षेत्र के ईटारोरा गाँव के रहने वाले हैं और वो पहले भी सिंधौली ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। इस बार अवधेश सिंह भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले ब्लॉक प्रमुख पद का दावा ठोक रहे हैं। आज किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष नरेंद्र यादव और जिला संगठन मंत्री गुलजार सिंह के साथ अवधेश सिंह ने चंदपई, कीरतपुर, मुड़िया पमार और उमरिया सहित कई क्षेत्र पंचायत सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान अवधेश सिंह ने बताया कि उन्हें भारी समर्थन मिल रहा है और वह निश्चित तौर पर जीत हासिल करेंगे। वहीं राजनीतिक जानकारों की माने तो अवधेश सिंह का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने महानगर के गुरुद्वारा श्री गुरु नानक आश्रम कुटिया साहब में रोटी बनाने वाली मशीन का आज उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस मशीन से लंगर के लिए ऑटोमेटिक रोटियां बनाई जा सकती हैं। ये मशीन 1 घंटे में 1,000 रोटी सेकने की क्षमता रखती है। भारतीय किसान यूनियन डिकैत के शाहजहांपुर युवा जिलाध्यक्ष जसविंदर सिंह उर्फ सोनू ने संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश डिकैत से मुलाकात की। इस दौरान युवा जिलाध्यक्ष ने जिले में गेहूं तौल में हो रही धांधली को लेकर अवगत कराया। युवा जिलाध्यक्ष जसविंदर सिंह सोनू ने कहा कि पुआया और बंडा मंडी में क्रय केंद्रों पर जमकर धांधली की जा रही है, जिसके चलते किसान बेहद परेशान है। इस दौरान कुछ दिन पूर्व गुटैया के किसान अमरजीत सिंह के यहाँ हुई चोरी की घटना को लेकर भी राष्ट्रीय प्रवक्ता से चर्चा की गई, जिसके बाद उन्होंने तत्काल आईजी बरेली चोन से बात की और घटना का पर्दाफाश कराने का आग्रह किया। ददरौल विधायक मानवेंद्र सिंह ने जिलाधिकारी इंद्र विक्रम से मिलकर ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछवाने के लिए विधायक निधि से धनराशि दी है। विधायक मानवेंद्र ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ददरौल पर ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछवाने के लिए विधायक निधि से 6 लाख रुपए का चेक जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह को सौंपा। विधायक ने कहा कि पाइपलाइन बिछने से महामारी का दंश झेल रहे मरीजों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सकेगी।
निगोही से पुआया रोड पर गुरुद्वारे के पास बेकाबू बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक पर सवार महिला की कुचलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। महिला थाना क्षेत्र निगोही के लोहारगवा गांव की रहने वाली थी, जो कि सिंधौली थाना क्षेत्र के नगरा गांव से वापस अपने घर लौट रही थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, तो वहीं बस को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कस्बा सिंधौली में लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस ने बाजार में गश्त की। इस दौरान पुलिस ने तय समय के बाद खुली दुकानों को भी बंद कराया और दुकानदारों को चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस ने बेवजह घरों से बाहर घूमने वाले लोगों से भी घरों में रहने को कहा। दरअसल पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कस्बा सिंधौली में तय समय के बाद दुकानदार चोरी छिपे शटर उठाकर सामान बिक्री कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने कस्बे में पैदल गश्त की और लोगों को लॉकडाउन का पालन कराया। विकासखंड निगोही के चनियूरा गांव से नवनिर्वाचित प्रधान ने शपथ ग्रहण करने के बाद गांव में पहली बैठक का आयोजन किया। बैठक में 6 समितियों का गठन किया गया। ग्राम प्रधान ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि गांव का चौमुखी विकास कराया जाए। विकासखंड क्षेत्र सिंधौली के गांव भटपुरा सूलपुर से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान अनिल गुप्ता को ग्राम प्रधान संगठन का सिंधौली ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष छब्बू सिंह यादव ने ग्राम प्रधान अनिल गुप्ता को मनोनयन पत्र सौंपते हुए बधाई दी और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मनोनयन पत्र सौंपते हुए छब्बू सिंह यादव ने कहा कि हम आशा करते हैं कि आप संगठन में अनुशासित रहकर पूर्ण आस्था और निष्ठा के साथ संगठन को सक्रिय और संघर्षशील बनाने में अटूट सहयोग देंगे और संगठन द्वारा निर्धारित नियम का पालन सुनिश्चित कर पद की गरिमा के अनुरूप आचरण और व्यवहार अमल में लाएंगे। कोरोना संक्रमण के दौरान नगर निगम द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। आज नगर निगम की टीम द्वारा अग्निशमन वाहन से नगर में सैनिटाइजेशन किया गया। पंचशील सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से अशोक विहार स्थित सम्राट अशोक पार्क में भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी रमाबाई अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बोलते हुए सोसाइटी के अध्यक्ष राम सिंह ने कहा कि माता रमाबाई त्याग समर्पण और संघर्ष की प्रतिमूर्ति थीं, जिन्होंने आजीवन कष्ट सहकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को प्रोत्साहित किया। आर्थिक तंगी के कारण इलाज के अभाव में 4 बच्चों की मौत होने के बावजूद भी वो विचलित नहीं हुई और ना ही बाबा साहब की शिक्षा और प्रगति के मार्ग में बाधक बनी। राम सिंह ने कहा कि रमाबाई महिला सशक्तिकरण की आधार स्तंभ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज महानगर के रौसरकोठी, बहादुरगंज और रेती मोहल्ले में सैनिटाइजेशन का कार्य किया। संगठन के महानगर प्रमुख वैभव सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि सैनिटाइजेशन अभियान लगातार जारी रहेगा। कार्यकर्ता गली गली जाकर सैनिटाइजेशन का कार्य करेंगे।